गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सर डॉक्टर आशुतोष कुमार शर्मा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा एंड हम लोग चरक संहिता पढ़ रहे थे। चरक संहिता में फर्स्ट चैप्टर हमारे कोर्स में फर्स्ट ईयर में, जिसके हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे दैट इज सूत्र स्थान में अध्याय नंबर एक। टोटल 30 चैप्टर है जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे। हमने फर्स्ट 40 श्लोक जो है वहां पे कवर अप कर लिए, तो हम लोग डायरेक्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग आ गए थे, हम लोगों ने देख लिया था आयुर्वेद अवतरण कैसे होता है, आयु क्या होता है, हित आयु क्या है, दुख आयु क्या है, अहित आयु क्या है, उसके बाद षट पदार्थ कौन से होते हैं, उसके बाद द्रव्य कौन से होते हैं, पदार्थ क्या होता है, गुण क्या होते हैं, टोटल 40 गुण होते हैं। अब हम लोग यहाँ पे इसको आगे एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करने वाले। तो स्टार्ट विद त्रिडन का मतलब हो गया वो चीज जिस पर आपकी बॉडी जो है वो पूरी टिकी हुई है। अगर ये तीनों चीजें हैं देन यू आर अलाइव, अगर इन तीनों में से एक भी चीज नहीं है तो यू आर नॉट इन द स्टेट ऑफ लाइफ। तो इसमें उन्होंने पहला बताया सत्व। सत्व मन का गुण है, मन के लिए सिनोनिम के तौर पे भी यूज हो जाता है। सेकंड जो उन्होंने यहाँ पे बताया दैट इज आत्मा एंड देन देयर इज शरीर। तो जब शरीर होगा, आत्मा होगी और मन एक पॉजिटिव सत्व गुण के साथ है, तीनों का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज लाइफ। फिर हम आ जाते हैं द्रव्य में। तो हमने देखा था द्रव्य यहाँ पे 9 बताए हैं। पहले पंचमहाभूत हो गए 5, उस 5 के बाद छठे नंबर का हो गई आत्मा, 7वें नंबर पे मन, 8वें नंबर पे का, 9वें नंबर पे दिशा। पंचमहाभूत कौन से होते हैं, तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, पंचेस 5, फिर 5 होम, 5 के अंदर आ जाता है पृथ्वी, फिर इसके बाद आ जाता है आप, तेजस, वायु, आकाश। अब 5 महाभूत है, 5ों की अपनी अपनी तन्मात्रा है। पृथ्वी में गंध, आप में रस, आकाश वायु स्पर्श, तेजस रूप। तो पृथ्वी में हमें यहां पे गंध तन्मात्रा दिखाई देती है, आकाश में या आप इस वाटर, इसमें उन्होंने यहां पे कोरिलेट किया है रस को, तेजस इस फायर, यहां पे दिया इन्होंने रू, वात इस वायु, यहां पे इन्होंने दिया स्पर्श, एंड एयर इस आकाश। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और हमारे जाते हैं सबसे पहले गंध पे, तो कौन सा सेंसरी ऑर्गन है जो इसके लिए काम आएगा, दैट इज नोस। रस के लिए टंग, रूप के लिए आईज, स्पर्श के लिए स्किन एंड शब्द के लिए ईयर्स। तो पंच महाभूत हो गए, पंच तन्मात्रा हो गई। हर महाभूत का अपना एक चीजों को ग्रास्प करने के लिए जो मीडियम है वो यहां पे आ जाता है। तो पृथ्वी के लिए तन्मात्रा इज गंध एंड उसे परसीव करने का जो तरीका है दैट इज नोस। सिमिलरली आप इज वाटर, वाटर का जो है कंटेंट दैट इज रस, और उसे हम परसीव कर सकते हैं टंग से। रस के अंदर मधुरम, नमक, कटु, तिक्त, कषाय, 6 के 6 तरीके के रस आ जाते हैं। किसी ने ज्यादा किसी ने कम माना, बट चरक ने सभी के डिविजन्स को इन्हीं 6 के अंदर इक्विवेलेंट तरीके से बांट दिया, तो वो हम लोग इम्पोर्टेंट है, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में भी पढ़ेंगे। देन इन्होंने यहाँ पे तेजस इज फायर, सो उन्होंने बताया रूप हम परसीव करते हैं आईस। देन देयर इज वायु आप देखो तो स्पर्श सेंसेशन जिसके लिए उन्होंने बताया स्किन, तो यू फील सेंसेशन आपको जो भी टच पर महसूस करना तो उसके लिए स्किन। एंड देन देयर इज आकाश जिसके लिए शब्द, और जो हम लोग परसीव कर सकते हैं ईयर्स के थ्रू। तो ये हो गया पंच महाभूत, तो हो गई पंच तन्मात्राएं, और ये हो गया किस तरीके से हम इनको परसीव कर सकते हैं वो। अब इसके बाद हम आ जाते हैं हमारी बाकी के द्रव्यों के ऊपर। हमारा जो बाकी द्रव्य उसके अंदर आ जाता है सबसे पहला है आत्मा। आत्मा के बारे में उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया निर्विकार, आत्मा में कोई दोष नहीं है, जो भी डिजीज है जो भी प्रॉब्लम है वो आपकी बॉडी में है। द सोल इज टोटली आउट ऑफ इट, सोल बॉडी चेंज करता जाता है। परमात्मा और आत्मा दोनों को कोरिलेट किया है, आत्मा जब बॉडी से फ्री हो जाता है तो परमात्मा में जाके विलीन हो जाता है। तो इट इज अनटचेबल एंड मेरे पर इसमें कोई इश्यू नहीं है, कोई दुख जो आप फील कर रहे हो इसमें नहीं, एक टोटली डिफरेंट है। देन आत्मा के बाद उन्होंने बताया मन,
मन एक इकलौती ऐसी इंद्रिय जिसको हम लोग कहते हैं उभय इंद्रिय। उभय का मतलब क्या होता है? दो, यानी ऐसी चीज जिसमें दो कंसेक्यूटिवली अलग अलग चीजें हो। तो ये आता है ज्ञानेंद्रिय। ज्ञान का मतलब हो गया जिससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और कर्मेंद्रिय, कर्मेंद्रिय का मतलब हो गया वो इंद्रिया जो कुछ काम कर रही है। तो नॉर्मली ज्ञानेंद्रिय हो गई पांच, कर्मेंद्रिय हो गई पांच, लेकिन मन एक इकलौती ऐसी इंद्रिय जो दोनों है, तो इस तरीके से टोटल इंद्रिय हो जाती है हमारे पास ग्यारह। पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय और उभयेन्द्रिय हो गया मन। अब मन ही है जो आपको हर चीज के लिए प्रेरित करता है। मन के पांच गुण बताएं, मन के दोष बताएं, सबसे पहले हम गुण पे आ जाते हैं। तो सत्व, सिनोनिम के तौर पे भी बहुत लोग अलग अलग रेफरेंसेस में मन के लिए यूज कर लेते हैं, गुण भी है। तो मन का फर्स्ट गुण है सत्व, देन देयर इज रज एंड तम। तो रज और तम जो है ये हुए दोष। ये वो चीजें हैं जो हमारे अंदर एग्रेशन, गुस्सा, निगेटिवनेस, हेट्रेड चीजों को नहीं करना, ये चीज। एंड सत्व, सत्व इज द पॉजिटिव पार्ट ऑफ मन। तो सत्व हमें चीजों को करने के लिए प्रेरित करता है, कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रियों को आगे कोई चीज करनी तो उसके लिए, तो जब भी मुझे कुछ करना है तो मेरा ब्रेन और मेरे सेंसरी ऑर्गन के जो बीच में कनेक्टर है, दैट कनेक्टर इज मन। तो मन वहां पर काम करता है। फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पे बताया है काल। अब काल के अंदर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो काल अगेन इज डिवाइडेड, सो भी तीन अलग अलग हिस्सों में उन्होंने डिवाइड कर रखा। अब इसमें एक तो ईयरली वाला स्पैन आ जाता है, देन देयर इज एज ओरिएंटेड स्पैन, देन अगेन डिफरेंट टाइप्स। तो इस तरीके से काल के उन्होंने अलग अलग तीन डिविजन किए डिपेंडिंग ऑन ट्रीटमेंट। हम अलग तरीके से देखते हैं, अगर मैं ट्रीटमेंट ओरिएंटेड देखूंगा तो काल के अंदर मैं यहाँ पे दिन में देना है, रात को देना है, अनुबंध रखे क्या देना है, किस समय पे कौन सी चीज देना है, डिजीज ओरिएंटेड है। फिर अगर मैं यहाँ पे ऋतु वगैरह के अकॉर्डिंग देखूंगा तो फिर काल बदल जाएगा उसके अंदर। तो इस तरीके से उन्होंने रेफरेंसेस दिए। लास्ट जो उन्होंने यहाँ पे बताया, दैट इज दिशा। तो दिशा नाम भी हम लोग देखते भी है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आयुर्वेद के अंदर उन्होंने जो बता रखे डायरेक्शन को हम लोग देख लेते, तो इस तरीके से उन्होंने उसका चार्ट किया। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ एंड देन देयर इज ऊपर एंड देन देयर इज नीचे। इस तरीके से उन्होंने पूरा बाइफरकेशन दिशा के बारे में बता रखा। तो ये जो नौ चीजें हैं इन्हें मिलाकर हम कहते हैं द्रव। पदार्थ हमने पढ़े थे, पदार्थ होते हैं छह, वो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, सामान्य, विशेष, द्रव्य, गुण, कर्म, संवर्ग, जिसमें सामान्य बहुत सिमिलैरिटी। तो अगर आपसे पूछा जाए षट पदार्थ क्या है तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए द्रव्य क्या होता है तो आपको ये पता होना चाहिए। तो जैसे षट पदार्थ, षट पदार्थ में हम लोगों ने पढ़ा था सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, संवर। तो ये हमने षट पदार्थ के अंदर पढ़ा था, जो इज द मेन बेसिस ऑफ द ट्रीटमेंट। आपका पूरा जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही बेसिकली दो चीजों पे काम कर रहा है, सामान्य सिमिलैरिटी, जो सेम सेम चीजें दोनों मिलेंगी तो जुड़ जाएंगी, इट विल सम अप, एंड विशेष इज अपोजिट, स्पेशलिटी जब ये किसी के साथ आएगा तो वो कम हो जाएगा। देन गुण, गुण हमने देखे देर आर टोटल 40 गुण, जिसमें हम आज गुरुवादी गुणों के बारे में डिस्कस करने वाले। फिर भरादी गुण आते हैं 10, फिर उसके अलावा और गुण आते हैं। द्रव्य भी हमने देखा 9 होते हैं, कर्म जो भी काम करना है, समवाई, समवाई का मतलब होता है वो क्वालिटी जो किसी एक चीज के अंदर है जिसे आप चाहे भी हटा नहीं सकते, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा मेजर टॉपिक है वो है गुण। तो आज हम लोग गुण डिस्कस करने वाले हैं, विल स्टार्ट विद गुण। तो टोटल गुण जो है वो 40 है। आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज गुरुवादी गुण। तो गुरुवादी गुण जो होते हैं वो ये होते हैं, सबसे पहले इसमें आ गया गुरु। गुरु का मतलब होता है हवि, ऐसा कोई द्रव्य जैसे खाने के बाद यू फील कि मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे डाइजेशन हैवी लग रहा है, तो ऐसी कोई भी चीज दैट इज हार्ड टू डाइजेस्ट, जो बल्ले है स्ट्रेंथ बढ़ाने वाला, वो गुरु में आता है। देन गुरु के बाद हीम इज कोल्ड, ठंडा। देन स्निग, स्निग का मतलब होगा स्नेह, ऑयलिंग जो रहता है स्निग में आ जाता है। देन देर इज स्लक्ष्म, फिर उसके बाद है सांद, सांद में यहाँ पर बताया सॉलिड, इज हार्ड। मृदु, मृदु का मतलब होता है सॉफ्ट, टच करने पे लाइट रहता है, हल्का रहता है, दैट इज मृदु।
उसके बाद आ जाता है स्थिर, स्थिर का मतलब होता है स्टेबल, स्टेबल है। देन देयर इज सूक्ष्म, सूक्ष्म इज नॉन स्लिम, वो आ जाता है। देन इन 10 के जस्ट अपोजिट जो है वो 10, तो टोटल हो गया 10 + 10 = 20। तब हम देखेंगे तो गुरु का अपोजिट क्या है, लघु, लघु मीन्स लाइट, एनिमल का है, इजिली डाइजेस्टेबल है। एग्जाम्पल के तौर पर देखोगे तो जो भी गोधूम वाली चीजें हैं इजिली आपको डाइजेस्ट हो रही है, वो सब इस लघु के अंदर आ जाएगा। देन देयर इज तीक्ष्ण, इज फास्ट। देन देयर इज उष्ण, उष्ण इज गर्म। देन देयर इज रुक्ष, रुक्ष मीन्स ड्राई। देन खर, खर का मतलब हो गया रफ, रफनेस रहेगा। देन द्रव, द्रव का मतलब यहाँ पे है लिक्विड, ये द्रव वाला द्रव है, और जो हमने नौ पढ़े थे वो द्रव्य थे। देयर इज डिफरेंस बिटवीन द्रव्य एंड द्रव। फिर उसके बाद है कठिन, कठिन मीन्स हार्ड। एंड देन देयर इज चल, चल का मतलब होता है मूविंग। देन देयर इज स्थूल, स्थूल इज हेवी। एंड देन लास्ट मेट इज पिचिंग, ज्यादा स्लिमिंग। इस तरीके से ये 20 गुण है। अब तीन जो दोष है हमारे, तीनों के जो गुण है वो हमें यहाँ पे दिख जाएंगे। देन जो हमारे पंच महाभूत है उनका इम्पैक्ट भी हमें इन सभी 20 गुणों पे दिखेगा। हमारी ट्रीटमेंट के लिए हम इन्हीं रसों को यूज करने वाले, जो भी हम मेडिकेशन यूज करते हैं उन मेडिकेशन के अंदर बेसिस जो है हमारा वो ये 20 गुण रहते हैं। इन गुणों के अलावा फिर हम आगे बाकी के जो उनके पराधिक गुण और जो है विशिष्ट कार्य है, किसी का वीर है, किसी का विपाक है, किसी का कोई स्पेशल मोमेंट ऑफ वर्क है, उसके ऊपर हम डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट करते हैं। बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करें। थैंक यू।